मेवाड़ की धरा पर स्थित मोलेला गांव ने अपनी कला के माध्यम से एक अनोखी छाप छोड़ी है। यहाँ की टेराकोटा आर्ट पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, आप जो देख रहे हैं मिट्टी, ये सिर्फ चिकनी मिट्टी है और ये पानी से इसको अच्छी तरह से गोद लिया है और इसमें कोई मिलावट नहीं है, सिर्फ मिट्टी से ही वे अपनी कलाकारी दिखाते हैं। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दे ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हमें दिनेश जी ने बताया कि ये टेराकोटा आर्ट कला यहाँ से 800 साल से चली आ रही है। ये इनके पिताजी यही काम करते आ रहे हैं और ये बचपन से स्कूल के समय से ये दिनेश जी यहाँ पर मूर्तियाँ बनाने लगे हैं, यही काम चल रहा है यहाँ से। दोस्तों, गणेश जी की मूर्ति लगभग तैयार हो चुकी है, तो दोस्तों इन पर आर्ट बना रहे हैं तो ये ध्यान से देखिएगा किस तरह से आर्ट बनाते हैं और कितना अच्छा लग रहा है। मेवाड़ के पावन धरा पर स्थित मोलेला गांव ने एक अनोखी छाप छोड़ी है टेराकोटा आर्ट के माध्यम से। दोस्तों, इस कला के जाने माने कलाकार मोहनलाल जी चतुर्भुज कुमार को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, आपके साथ मिलकर बहुत खुशी हुई। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि आप मार्केट में जो भारत से बाहर की जो वीडियो और अपने घर में ऐसी चीजें खरीदे जिससे आपको भी फायदा हो। दोस्तों, ये जो आप मूर्तियां देख रहे हैं ना, ये अपने हाथों से बनाई गई है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये ओनली मिट्टी के चिकनी मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई गई है, बहुत ही आकर्षित मूर्तियाँ बनाई गई है। मोलेला ने अपने भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया है। मोलेला में मिट्टी के बर्तन, ये आपको ये जो सब चीज़ें दिख रही हैं ये मिट्टी की ही है और ये बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है पूरे भारत में।